तो इसराइल के बाद भारतीय कामगारों के लिए ताइवान ने दिल खोलने के साथ अपने देश के दरवाजे भी खोल दिए। तो ताइवान ने कहा है कि एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। ये वीडियो देखेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है एज अ मुस्लिम? बहुत बुरा महसूस होता है, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं इसके बारे में। भारत और ताइवान के बीच एक समझौता हुआ है। ताइवान 1,00,000 इंडियन वर्कर्स को हायर करना चाह रहा है। दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी का नाम आया ना, पाकिस्तानियों को वहां पे पेश पाया। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है। हिंदुओं की ये एक जो इमारत बनाई गई है मंदिर, जो कि ये नहीं होने चाहिए थे बिल्कुल। एज अ मुस्लिम मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि इस्लामिक कंट्री में इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए। तो ये मोमेंट पागल हो जाता है। तो चाइना साजिश करता रह गया। हिंदू जो है ना, जब वो बच्चा पैदा होता है ना, तो वो नाच गाने से शुरू होता है। लेकिन अब देखिए, दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है। चाइना की 2/3 प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स है वो डिफॉल्ट कर चुके। उसने काफी प्रयास किया भारत और ताइवान के बीच में डिवाइड क्रिएट करे, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया और ताइवान के बीच में रिश्ते घनिष्ठ हो जाए। तो उनका मजहब है, हमारा जो मजहब है वो मुझे ये बताया कितने बच्चे हैं जो सुबह उठकर नमाज पढ़ते हैं या माँ बाप कहते हैं नमाज पढ़े। यही कहा जाता था कि हमारे वर्कर्स अनस्किल्ड हैं, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है जो अब हमें दिख रहा है। तो इसी में अगर आप देखें तो ताइवान ने कहा है कि एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। अबू धाबी के अंदर एक मंदिर बनाया गया है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए मोदी को बुलाया गया है। अब मोदी जो है वो जब आता है और इतना ज्यादा ग्रैंड वेलकम कि हमारी देखने के बाद आंखें ये यकीन नहीं करती कि ऐसा भी हो सकता था इस्लामिक कंट्री के अंदर। सर, क्या वजूहत है कि जो इस्लाम के मानने वाले दुबई के लोग हैं वो इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं इंडिया वालों को, क्यों? ये मुसलमान मुल्कों की एक तो बेहिसी है, दूसरा ये कि इंडिया बहुत बड़ी एक जो है वो एक इक्तसादी ताकत है, उसको उसके साथ जो है ना रवाबत रखना चाहते हैं। तो मुसलमान जो है वो अब अपने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो अहकामात है उससे रूगर्दानी करनी शुरू कर दी है उन्होंने। इसीलिए हमारा देख लें फलस्तीन में क्या हाल हो रहा है, सिर्फ मुसलमान मुल्कों की बेहिसी है। सर, ये वीडियो देखेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है एज अ मुस्लिम? ये दुबई है, अबू धाबी ना, और ये देखें जरा क्या महसूस क्या हो रहा है। ये पीछे मंदिर है, इस्लामिक हमारा मुल्क है। बहुत बुरा महसूस होता है, बस मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ इसके बारे में। देखिए ना, ये देखिए कैसे वो अपने मतलब अपने मज़हब के मुताबिक रस्मात कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, जा रहे हैं, पंडित उनके साथ हैं। अभी यहाँ पे शेर लोग भी आपको नज़र आएंगे। अब यही मैं जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया है कि ये मुसलमान लोगों की बेहिसी है और वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या लगता है कि पैसे के पीछे हम अपना ईमान भी खो देंगे, अपना इस्लाम भी तोड़ देंगे? बिल्कुल यही कुछ हो रहा है जो अब पाकिस्तान में हो रहा है और मुस्लिम ममालिक में हो रहा है, पैसे के पीछे ही हो रहा है सब कुछ। सर, अगर हम देखें तो मुस्लिम ऐसा करते हैं, हिंदू ऐसा क्यों नहीं करते? वो कौम परस्त हैं और हम जो है जो दौलत के पीछे दौलत परस्ती करते हैं हम। सर, क्या ऐसे में हमारा मुल्क तरक्की करेगा? कतई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। भी सर मौजूद है, सर इधर आइएगा, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर इधर आइएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं अभी एक वीडियो दिखा रही थी, आपने देखी तो होगी, ये अबू धाबी है। अब वहाँ पर एक मंदिर बना है और मंदिर के लिए मोदी को बुलाया स्पेशल। अब ये मोदी आ रहा है, देखें जरा, ये देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? इस्लाम के घर जहाँ पे हम जाते हैं हमें वाइब्स आती है। ये है कि हम इस्लाम से दूर हो गए हैं। हिंदू जो है ना, जब वो बच्चा पैदा होता है ना, तो वो नाच गाने से शुरू होता है, क्योंकि उनका मजहब है। हमारा जो मजहब है वो मुझे ये बताया कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ कर नमाज पढ़ते हैं या माँ बाप कहते हैं नमाज पढ़े। ये तो माँ की गोद क्या बताया है? 7 साल का जब बच्चा होता है तो उसे ज़बरदस्ती आप नमाज पढ़ाएं। मुझे ये बताएं कितने लोग नमाज पढ़ाते हैं? 4 बच्चे हैं, चारों के हाथ में मोबाइल होगा तो उसको दीन का क्या पता है? ये अबू धाबी है, मतलब दुबई है, ठीक है। अब ये है मोदी,
इंडिया का और ये इनके पंडित। अब यहाँ पर एक मंदिर बना, इस्लामी कंट्री के अंदर मंदिर बना है, हाँ मंदिर बना है, और मंदिर बनने के बाद ये सारे इनॉग्रेशन के लिए आए हैं, ये देखने के बाद क्या फील हो जी? एज अ मुस्लिम मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक अबू धाबी जो कि एक इस्लामिक कंट्री है उसमें इस तरह का हिंदुओं की ये एक जो इमारत बनाई गई है मंदिर, जो कि ये नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल। एज अ मुस्लिम मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि इस्लामिक कंट्री में इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं होना चाहिए तो जो माइनॉरिटी मतलब ज़्यादा सॉरी मेजॉरिटी जहाँ पर हिंदुओं की वहाँ मस्जिद भी नहीं होनी चाहिए फिर जी? असल में ना जो पुरानी तारीख है उसमें क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले कि कभी आप सल्लम के दौर में या इस पूरे एरिया में अबू धाबी में सऊदी अरब में पहले क्यों नहीं मंदिर बनाए गए? कुछ ऐसा हुआ पहले? नहीं था, है थे लेकिन तोड़े गए थे। तोड़े गए थे ना, किस मकसद के लिए तोड़े गए थे? इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को फैलाया था। तो अब क्यों बनाए जा रहे हैं फिर? जो हक देने के लिए माइनॉरिटीज को, जितनी भी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे है उनको हक देने के लिए, उन्हें इबादत गाह के लिए। इस्लाम में हमें पहले इसीलिए मंदिर तोड़े गए थे, आखिर किसी वजह से तोड़े गए थे। और हमें भी चाहिए कि उस पिछले अपनी रीत को याद रखें, अपने इस्लाम के बैकग्राउंड को याद रखें, ना कि इस तरह की हरकतें करें। कि मेरे ख्याल से ये जो है ना ये पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। उनके मंदिर गिराएंगे, हम उनके मंदिर गिराएंगे तो वो भी हमारी मस्जिद गिराना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम अगर अपने जैसे यहाँ पे भी मंदिर है ना, अगर हम हिंदुओं के लिए कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर नहीं बनने चाहिए, तो जहाँ पर हिंदू की कम्युनिटी ज़्यादा है जैसे कि इंडिया, ठीक है वहाँ पर मुस्लिम कम है और हिंदू मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो भी कहेंगे भाई यहाँ पर मस्जिदें नहीं होनी चाहिए फिर? नहीं देखिए मेरी बात, जहाँ पे मेजॉरिटी है ना इस्लामिक कंट्री की, वहाँ जो मुल्क इस्लामी नाम से है उसमें हरगिज मंदिर वगैरह नहीं होने चाहिए, वो इस्लामिक कंट्री है उस पर मस्जिद होनी चाहिए बस। भाई क्या इस्लामिक नाम पे? जी इस्लामिक नाम पे, इस्लामिक कंट्री नहीं है, इस्लाम के नाम पे तो पाकिस्तान बना हुआ है बस। नहीं वो ज़्यादातर अक्सरियत तो वहाँ मुसलमान की है ना, इंडियंस की ज़्यादा है। ईमान जो है ना हमें, ईमान हमें। और इसके साथ साथ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इंडिया इज अ बिगेस्ट पार्टनर इन साउथ एशिया, इंडिया का, तो इस हवाले से क्योंकि ये चीज़ें तो लास्ट काफ़ी सालों से हैं, लेकिन ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे आज हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा शुरू करते हैं US और इंडिया से। बिगेस्ट पार्टनर वो कहते हैं कि साउथ एशिया में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट कुछ सालों में हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी, I-2U-2 देखा, इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेस देखी, डिफेंस से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली अमेरिका ट्रांसफ़र नहीं करता उसकी बात हुई, लेकिन ये बात कहने की वाकई उनको ज़रूरत है कि वो ये बताएं कि हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कि हेली को सुन रहा था, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया आज भी रशिया के ज्यादा करीब है, ज्यादा ट्रस्ट करता है इंस्टेड ऑफ US।